हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे टॉप 15 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एमसीक्यू, जिसमें हमारा टॉपिक होगा रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द ट्रांजिस्टर गेट इज क्लोज्ड देन द रोम स्टोर्स ए वैल्यू ऑफ 1। क्या सही है या गलत है? मतलब कि यदि हमारा ट्रांजिस्टर गेट क्लोज हो जाता है तो क्या रोम हमारा एक वैल्यू स्टोर करता है या नहीं? ए टू बी फॉल्स। यहाँ पर होगा हमारा फॉल्स, ऐसा नहीं होता है, वो एक स्टोर नहीं करता, हमारा क्या करता है, जीरो स्टोर करता है। दो होता है हमारा प्रोम स्टैंड फ्रॉम, मतलब इसका प्रोम का पूरा नाम क्या होता है, ए प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, बी प्री फेड रीड ऑनली मेमोरी, सी प्री रिक्वायर्ड रीड ऑनली मेमोरी, डी प्रोग्राम्ड रीड ऑनली मेमोरी। हमारा दूसरे क्या हो जाएगा ऑप्शन, वह हो जाएगा क्या, ए प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तीसरा हमारे यहाँ पूछा गया है, द प्रोम इज मोर इफेक्टिव देन रोम चिप्स इन रिगार्ड टू, ए कॉस्ट, बी मेमोरी मैनेजमेंट, सी बोथ ऑफ स्पीड ऑफ ऑपरेशन, और डी दिया है बोथ कॉस्ट एंड स्पीड ऑपरेशन। तो हमारा तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी, यानी कि कॉस्ट और स्पीड क्या होता है, दोनों परफॉर्मेंस हमको मिलता है इसमें, ज़्यादा होता है। फिर हमारे यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया यह है, द डिफरेंस बिटवीन द ई पी रोम एंड रोम सर्किटरी इज, ई पी रोम और रोम जो फैक्ट्री होते हैं, दोनों भी डिफरेंस क्या होता है, ए यूजेज ऑफ मॉसफेट्स ओवर ट्रांजिस्टर, द यूजेज ऑफ जेफ्ट ओवर ट्रांजिस्टर, द यूजेज ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर, और डी दिया है नॉन ऑफ द मेंशन। तो हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा क्या, सी द यूजेज ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर। फिर हमारे यहाँ पूछा गया है पाँचवें नंबर, कि द रोम चिप्स आर मेनली यूज टू स्टोर, ए सिस्टम फाइल, बी रूट डायरेक्टरी, रूट बूट फाइल्स, एंड डी दिया है ड्राइवर फाइल्स। तो हमारा यहाँ पे पांचवे का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि बूट फाइल्स। फिर हमारा छठवां पूछा गया है कि द कंटेंट्स ऑफ द ईपी रोम आर इरेज्ड बाई, मतलब कि जो ईपी रोम द्वारा हमारा या ईपी रोम का जो कंटेंट होता है वो इरेज होता है, मिट जाता है किसके द्वारा, ए ओवर चार्जिंग द चिप, बी एक्सपोजिंग द चिप टू ईवी रेज, सी एक्सपोजिंग द चिप टू आईआर रेज, और डी दिया हमारा डिस्चार्जिंग द चिप, यानी कि हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो छठवां हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा बी एक्सपोजिंग द चिप टू यूवी रेज। फिर हमारा पता पूछा गया कि द डिसएडवांटेज ऑफ द ईपी रोम चिप इज, द हाई कॉस्ट फैक्टर, द लो एफिशिएंसी, लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन, और डी दिया है द नीड टू रिमूव द चिप फिजिकली टू रिप्रोग्राम इट। तो हमारा सातवें आंसर हो जाएगा क्या, डी, यानी कि द नीड टू रिमूव द चिप फिजिकली टू रिप्रोग्राम इट। पूछा गया यहाँ पे आठवां नंबर, कि ई पी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली रेजेबल, यहाँ पे दिया है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसका पूरा नाम दे दिया, तो ये तो पहले ट्रू है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फॉल्स भी ऑप्शन देना चाहिए, उन्हें दिया है। नाइन क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, द डिसएडवांटेज ऑफ डबल ई पी रोम इज, मतलब जो हमारा डबल ई पी रोम होता है वह उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ए द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट वोल्टेज टू रीड राइट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, बी लेटेंसी रीड ऑपरेशन, सी बी है द इनएफिशियंट मेमोरी मैपिंग स्कीम यूज, और डी दिया है ऑल ऑफ द मेंशन। हमारा नाइन हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट वोल्टेज टू रीड राइट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। दसवां हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ यह है कि ये बताना है, द मेमोरी डिवाइस विच आर सिमिलर टू डबल ई पी रोम बट डिफर इन द कास्ट इफेक्टिवनेस इज, ए मेमोरी स्टिक्स, बी ब्लू रे डिवाइसेज, बी फ्लैश मेमोरी, और डी दिया है सी एम ओ एस। तो हमारा 10 हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सी फ्लैश मेमोरी। फिर हमारे यहाँ पूछा गया है 11 नंबर, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डबल ई पी रोम एंड फ्लैश मेमोरी इज दैट द लैटर डज नॉट अलाउ बल्क डाटा टू बी रिटन, ए ट्रू बी फॉल्स। तो 11 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे ई ट्रू। फिर हमने पूछा है यहाँ पे 12 नंबर, द फ्लैश मेमोरी फाइंड एप्लीकेशन इन, ए सुपर कंप्यूटर्स, बी मेन फ्रेम सिस्टम, सी दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और डी दिया है पोर्टेबल डिवाइस। तो हमारे यहाँ पे जो 12 नंबर का डिवाइस हो जाए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पोर्टेबल डिवाइस। ये पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन, वो यह है कि मेमोरी मॉड्यूल ऑब्टेंड बाय प्लेसिंग ए नंबर ऑफ फ्लैश चिप फॉर हायर मेमोरी स्टोरेज कॉल्ड एज, ए एफ आई एम एम, बी एस आई एम एम, सी फ्लैश कार्ड, और डी दिया है आर आई एम एम, यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी, यानी कि फ्लैश कार्ड। फिर हमारे यहाँ पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन, वो यह है कि द फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल डिजाइन टू रिप्लेस द फंक्शनिंग ऑफ ए हार्ड डिस्क इज, ए आर आई एम एम, बी फ्लैश ड्राइव, सी
FIMM, डी हमारे होते हैं DIMM, यानी कि 14 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी, यानी कि फ्लैश ड्राइव। फिर हमारा पूछा गया 15 नंबर, द रीजन फॉर द फास्ट ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द फ्लैश ड्राइव इज, द एब्सेंस ऑफ मोटर पार्ट, बी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सी द इम्प्रूव बैंडविड्थ कनेक्शन, और डी दिया ऑल ऑफ द मेंशन। हमारा 15 का ऑप्शन हो जाएगा, और हो जाएगा क्या, ए, यानी कि द एब्सेंस ऑफ एनी मूवेबल पार्ट।